हे व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है गौतम और आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। गाइस आज के इस वीडियो में बोया M1 माइक की अनबॉक्सिंग करने वाला हूं। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो या वीडियो क्रिएटर हो, आप YouTube पर वीडियो बनाते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि वीडियो क्वालिटी के साथ साथ हमें ऑडियो क्वालिटी भी देना पड़ेगा हमारे ऑडियंस को, तभी हमारे जो व्यूअर्स हैं वो हमारे वीडियो को पूरा वॉच करेगी और ज़्यादा देर तक हमें रुक पाएगी हमारे वीडियो पर। गाइज आपको मैं बता दूं कि जो YouTube पर जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं वो 90% बोया M1 माइक को ही यूज़ करते हैं। इसका साउंड क्वालिटी अभी आप सुन सकते हैं, जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं, ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ अभी बोया M1 माइक से। देख सकते हैं मेरे अभी कॉलर्स पर बोया M1 माइक ही लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका साउंड क्वालिटी आपको पता चल रहा होगा सुन करके, ठीक है। सो गाइज चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और आपको हम आपकी इसका प्राइस बताता हूँ। गाइज इसे मैंने ऑफलाइन परचेस किया हूँ, ठीक है। इसे मैंने ऑफलाइन 600 में परचेस किया हूँ। अगर आप इसे ऑनलाइन में परचेस करते हैं यानी कि फ्लिपकार्ट अमेजोन में परचेस करते हैं तो आपको ये 600 में नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको ये 750, 800 या 850 के रेंज में ये ऊपर नीचे होते रहते हैं फ्लिपकार्ट या अमेजोन पर, ठीक है। तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि गाइस अगर आपको ये ऑफलाइन में अवेलेबल हो जाएगा माइक तो आप वहीं से ले लेना ऑफलाइन से, ठीक है। शॉप से ले लेना, आप ऑनलाइन मत लेना, क्योंकि गाइस आपको वहाँ पर ये प्राइस ज़्यादा महंगा पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको हम बताते हैं कि इस माइक के साथ आपको क्या क्या दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले गाइस चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए विदाउट वेस्ट एनी मोर टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। सो गाइस ये रहा हमारा बोया का माइक। कुछ इस तरह से आपको बोया का माइक देखने को मिलती है। बॉक्स के ऊपर में आप देख सकते हो बोया की ब्रांडिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ गाइस आपको यहाँ पर QR कोड मिल जाता है देखने के लिए, आप इसे स्कैन करके पता कर सकते हो कि ये माइक ओरिजिनल है या फेक बोया का, ठीक है। साथ ही साथ गाइस आपको यहाँ पर बोया M1 लिखा हुआ मिल जाएगा, जो कि गाइस हमारा बोया M1 माइक है, ठीक है। ये हमारा मॉडल है, ठीक है। साथ ही साथ गाइस आपको पीछे की तरफ देखने को मिलती है फीचर्स, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर स्मार्टफोन में DSLR में कैमकॉर्डर्स में ऑडियो रिकॉर्डर्स और PC और कई सारे में आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ गाइस आपको यहाँ पर हाई क्वालिटी के वीडियो में आपको हाई क्वालिटी साउंड देखने को मिलती है। साथ ही साथ गाइस आपको बैटरी अडैप्टर कुछ वगैरह मिलती है, जो कि गाइस मैं आपको इसके अंदर दिखाऊंगा निकाल करके अभी। सो गाइस यहाँ पर आपको मिल जाती है स्पेसिफिकेशन, जो कि गाइस आप पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके। साथ ही साथ इसके नीचे में आपको मिल जाती है कंपनी की कुछ डिटेल्स। और गाइस इस बॉक्स को हम चलिए ओपन करते हैं, कुछ खास इसमें है नहीं तो चलिए हम इसे ओपन करते हैं। सो गाइस कुछ इस तरह से आपको बॉक्स मिल जाते हैं, जो कि गाइस आपको पता है कि हम इसे ऑफलाइन परचेस किए हैं, ऑनलाइन परचेस नहीं किए हैं, इसलिए पैकेट उतना कुछ पैक नहीं था, ठीक है। सो गाइस हम इसी तरह से लाए थे मार्केट से, तो चलिए हम इसे यहाँ से ओपन करते हैं। तो गाइस आपको कुछ इस तरह से मिल जाती है देखने को, तो हम यहाँ से ओपन करते हैं। तो जैसे हम इस बॉक्स को यहाँ से ओपन करते हैं तो देख सकते हैं गाइस बॉक्स के ऊपर में कुछ आपको मिल जाती है यहाँ पर पाउच की तरह, जो कि आप देख सकते हो कुछ इस तरह से है। साथ ही साथ गाइस आपको यहाँ पर कुछ मिल जाती है मैनुअल्स गाइड, जो कि हमें ये माइक के बारे में आप जान सकते हो। साथ ही साथ इसके अंदर हमें एक और कुछ मिल जाती है देख सकते हो, कुछ कार्ड की जैसा है, जो कि गाइस यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, शायद वारंटी कार्ड है, हाँ देख सकते हो वारंटी कार्ड है, पर इसमें वारंटी आपको मिलती नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम इसे साइड करते हैं, इतना कुछ है बॉक्स के अंदर में और कुछ मैनुअल्स गाइड है मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। देख सकते हो तो इतना खास है नहीं माइक को, चलाना बहुत आसान है। तो चलिए हम इस वीडियो में बताते हैं आपको। साथ ही साथ गाइस आप देख सकते हो इस माइक में आपको कुछ पाउच की तरह मिलता है, जहाँ पर आपको गाइस ये जो कि आप इसे कैरी भी कर सकते हो कहीं पर। और ये गाइस सबसे अच्छी बात है इसका पाउच, जो कि गाइस लेदर का लग रहा है, ठीक है, फील काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम दे रहा है। और गाइस ये देख सकते हो यहाँ पर बोया का ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाती है ये पाउच के ऊपर में, बैक के ऊपर में। तो चलिए हम इसे ओपन करते हैं गाइस। कुछ इस तरह से आपको इसे ऐसे फैलाना पड़ता है। इसके बाद गाइस देख सकते हो ये हमारा पूरी तरह से ओपन हो गया है। अब इसे माइक को अंदर से हम निकालते हैं तो देख सकते हो कुछ इस तरह से हमें माइक मिल जाती है देखने के लिए। देख सकते हो कुछ ये माइक रहा और पाउच के अंदर हम देखते हैं कि और कुछ अंदर होना चाहिए। हाँ देख सकते हो ये हमें कुछ मिल जाती है इसके अंदर ये, बाकी पाउच गाइस पूरी तरह से खाली है, ठीक है। अब हम इसे साइड करते हैं तो गाइस यहाँ पर हम पाउच को साइड करते हैं। इसके बाद गाइस इसके अंदर हम देखते हैं पहले कि क्या क्या हमें दिया गया है। सो गाइस अब इसे हम यहाँ पर देख सकते हो इसके अंदर हमें मिलता है एक बैटरी मिलती है, ठीक है। ये बैटरी कब यूज़ होगी मैं आपको बताऊंगा, तो इस बैटरी को हम यहाँ पर साइड करते हैं, ठीक है। ये बैटरी को हमने साइड कर दिया है। साथ ही साथ गाइस हमें ये मिलती है क्लिप, जो कि माइक को हम अपने टी शर्ट या शर्ट में होल्ड कर सकते हैं, ठीक है, क्लिप कर सकते हैं कुछ इस तरह से। अब हम इसे भी साइड करते हैं यहाँ पर। सो गाइस अब यहाँ पर हमें मिल जाती है एक केबल की तरह मिल जाती है, जो कि जैक है, ठीक है। ये कब यूज़ होगा मैं आपको ये भी बताऊँगा, तो इसे साइड करते हैं। और गाइस यहाँ पर मिल जाती है एक हमें पाउच की तरह, तो हम इसे ओपन निकाल के दिखाते हैं आपको।
सो गाइज ये रहा हमारा कुछ इस तरह से, ये रहता है पाउच जो कि देख सकते हो गाइज रुआ की तरह है, ठीक है, काफ़ी सॉफ्ट रहता है ये। सो गाइज इसे भी आपको पता ही होगा कि कहाँ लगता है, तो ये मैं सब बताऊंगा। सो गाइज ये अब खाली हो चुका है तो हम इसे अब साइड करते हैं। सो गाइज देख सकते हो ये हमारा कुछ इस तरह से गाइज ये रहा माइक, काफ़ी ज़्यादा लंबा वायर है, ठीक है। ये गाइज लगभग इसका वायर कितना है मुझे उतना बॉक्स के ऊपर में आप पढ़ सकते हो, वीडियो को पॉज करके, मुझे उतना याद नहीं है गाइज इसका, बहुत लंबा गाइज है सच में। अगर आप कैमरे से यूज़ कर रहे हो, अगर आप वाइड एंगल या कुछ शॉट्स ले रहे हो, या फोन से भी अगर आपको दूर करना है, तो आप काफ़ी ज़्यादा वायर आप इतना यूज कर ही नहीं पाओगे। अब गाइस यहां पर देख सकते हो ये कुछ आपको इस तरह का माइक यहां पर मिल जाती है, ठीक है, देख सकते हो ये माइक हमारा है, और यहाँ पर गाइस आपको कुछ इस तरह से मिलती है माइक के ऊपर में, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिखा देते हैं कुछ सेटिंग्स, देख सकते हो यहाँ पर बोया की यहाँ पर मिल जाती है आपको ब्रांडिंग लिखा हुआ, साथ ही साथ गाइस आपको यहाँ पर मिलता है कैमरा और यहाँ पर मिलता है स्मार्टफोन। अगर आप कैमरा से शूट कर रहे हो तो आपको इसे ऊपर करना पड़ेगा, ठीक है, और साथ ही साथ अगर कैमरा से आप शूट करोगे तो आपको ये बैटरी लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो ये बैटरी हमने यहाँ पर रखा, तो आपको बैटरी लगाना पड़ेगा अगर आप कैमरा से शूट कर रहे हैं तो। अगर स्मार्टफोन से शूट कर रहे हैं तो आपको बैटरी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ गाइस अगर आप स्मार्टफोन से शूट कर रहे हैं तो आपको इसे नीचे करना पड़ेगा स्मार्टफोन की तरफ, ठीक है, और कैमरा से कर रहे हैं तो आपको ऊपर की तरफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर रेड है और साथ ही साथ ये यहाँ पर आपको ग्रीन मिलता है, ये लाइट नहीं है, साथ ही साथ यहाँ पर कुछ पेंटिंग है, ठीक है, पेंट अंदर की तरफ है जो कि आपको इंडिकेट करता है। सो गाइस यहाँ पर अगर आप कैमरा से शूट कर रहे हो तो आपको यहाँ पर इसे ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से हम इसे ओपन करते हैं तो देख सकते हो कुछ इस तरह से हमें ओपन होता है। यहाँ पर जैसे ही आप ओपन करते हो तो देख सकते हो कुछ इस तरह से हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, और यहाँ पर आपको ये बैटरी लगेगा, ठीक है। अगर आप कैमरा से शूट कर रहे हो तो हम कैमरा से शूट नहीं करेंगे, इसलिए हम बैटरी को नहीं लगाएंगे। अगर आप ऐसे बैटरी लगाना चाहते हो तो आप इसके अंदर से फिट कर देना, ये सिंपली हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली गाइस हम यहाँ पर फोन ही से शूट करते हैं तो हम सिंपली फोन से ही करेंगे, ठीक है। अब गाइस हम इसे यहाँ से बढ़िया से सेट कर देते हैं, ठीक है। तो देख सकते हो कुछ इस तरह से आप इसे लगा सकते हो पहले जैसा, ठीक है। सो गाइज अब देख सकते हो कि हमारा ये फिट हो चुका है। अब गाइज इसे आप कहीं फंसा भी सकते हो, देख सकते हो ये पेन की क्लिप जैसा रहता था उस तरह से है। अब यहाँ पर गाइज हम आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर वायर हमारा यहाँ पर कसा हुआ है, ठीक है। इसे हम ओपन नहीं करेंगे क्योंकि ये वीडियो में दिख भी नहीं पाएगा उतना। और गाइज यहाँ पर देख सकते हो ये इसका जो ये है, इसको बोलते हैं जो पट्टी जो इसका है, ये काफ़ी ज़्यादा गाइज अच्छे क्वालिटी का यहाँ पर, ठीक है, ये आपको मिल जाती है, जो कि गाइज आपका माइक का जो वायर है इसे ऐसे में यहाँ रहता है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको खोल करके और दिखाता हूँ, गाइज देख सकते हो कितना ज़्यादा वायर है, यहाँ पर भी है और साथ ही साथ इसमें भी लपेटा हुआ है। तो गाइज खोलेंगे तो काफ़ी ज़्यादा मेरे को लग रहा है कि ये हो जाएगा, कम से कम 20 फीट से ज़्यादा ही होगा, ठीक है। अब गाइज हम इसे यहाँ पर हम पहले जैसा अब यहाँ पर लॉक कर देते हैं, ठीक है। सो गाइज यहाँ पर गाइज ये जो हमारा माइक है यहाँ पर देख सकते हो, अब हमें जो ये मिला था सॉफ्ट कलर का जो ब्लैक कलर का है, ये जो रुआ की तरह, आपको इसमें ऐसा सेट करना पड़ेगा, ठीक है। उससे पहले आपको क्लिप यहाँ पर सेट करना पड़ता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इससे पहले क्लिप करते हैं सेट, तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर क्लिप को सेट करना पड़ेगा। तो देख सकते हो ये हमारा क्लिप सेट हो चुका है। अब गाइज हमें इसे इसके अंदर अब इसे सेट करते हैं, ये जो हमारा इसके पाउच दिया था कुछ इस तरह से जो माइक के ऊपर, ये गाइज इसका काम है नॉइज़ को कंट्रोल करना, जो कि गाइज आपको जो नॉइज़ मिलती है हॉर्न वगैरह की बाइक की, उसको गाइज ये कंट्रोल करता है, तो इसे ज़रूर लगा करके यूज़ करना। सो गाइज यहाँ पर हमने ये घुसा दिया है, देख सकते हो गाइज यहाँ पर हमने इस माइक में, ठीक है। अब गाइज इसका मैं आपको यूज़ बताता हूँ, ठीक है। ये हमारा जो केबल जैक है गाइज, अगर आप कैमरा में यूज़ करते हो तो आपको ये इसमें सेट करना पड़ेगा, ठीक है, देख सकते हो। अगर आप कैमरा में यूज़ करोगे तो आपको ये सेट करना पड़ेगा, तभी आप कैमरा में यूज़ कर पाओगे। अगर आप स्मार्टफोन में कर रहे हो तो आपको सिंपली यही करना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको कोई ज़रूरत नहीं है लगाने के लिए। सो गाइज यहाँ पर गाइज आपको समझ में तो आ गया होगा क्या क्या इसका काम है गाइज। अब मैं आपको बता देता हूँ गाइज, अगर आप इसे परचेस करना चाहते हो तो आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से परचेस कर लेना। अगर आप ऑनलाइन परचेस करते हो तो गाइज आपको 750 से 800 के अंदर में रेंज मिलती रहती है, या दाम घटते रहता है बढ़ते रहता है, ठीक है, उसके लिए 50-60 रुपये से ऊपर नीचे होता रहता है। ये दोनों प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट और अमेजोन, आप कहीं से भी परचेस कर सकते हो, आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैंने गाइज इसे ऑफलाइन मार्केट से परचेज किया हूँ, इसलिए मुझे 600 में ये पड़ गया था, ठीक है। आई होप गाइज आज की इस वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना इस तरह का वीडियो देखने के लिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।